दोस्तों जिन लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे सौरभ गुप्ता नाम से सर्च करें, या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पर जाकर मैथ के वीडियो देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहली सिप के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं उनको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ 21, 42, 28, ये इसका एलसीएम पूछा गया था। बॉड मास पर आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मीडियम लेवल के थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। ओवरऑल पेपर की बात करें तो जो बच्चों ने बताया है कि जो पेपर का लेवल है वो लगभग वैसा ही है, लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस कि जो करंट अफेयर्स था वो पुराने सालों का पूछने लगे हैं। जैसे 1, 2, 3 महीने का अगर करंट अफेयर्स पूछते हैं तो आपको याद होगा, लेकिन 2017 के इवेंट पूछे जा रहे हैं जो कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो दिक्कत यही आ रही है कि जीएस में थोड़े से पुराने क्वेश्चन पूछने की वजह से बच्चों को दिक्कत आ रही है। इसके अलावा और पूछा गया है केरला के सीएम का नाम, ये मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, कल भी बताया था, और आज का सुबह का मेरा वीडियो देखेंगे आप करंट अफेयर्स का, उसमें भी मैंने बताया था कि पिनरई विजयन केरला के सीएम है। 78% ऑफ 663, ये पूछा गया था, आसान क्वेश्चन है। कैलेंडर से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, स्क्वायर रूट निकालना था 5776, इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो आप लोग वैल्यू बताएंगे कितनी आई है। वाटर इमेज पर दो क्वेश्चन पूछे गए थे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताइए। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, इन सब की वजह से कौन से रोग होते हैं, अब तो आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो जीएसटी देखो बहुत आसान होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था और 1 जुलाई 2018 को एक साल जब इसने पूरा किया था तो उस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी किया गया था। और जीएसटी का पूरा पीडीएफ मैंने आपको पहले से ही दे दिया था, जिनको ना मिला हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट स्टडी आईक्यू से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद में ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये कौन हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन हो जाएंगे। कैग के चेयरमैन का नाम पूछा गया है, तो राजीव महर्षि कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के चेयरमैन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड, जिसमें आपके ऑप्शन थे ब्यूटेन, एथेन, इस तरीके से आंसर थे। फिर पूछा गया था कि विच कंपाउंड इज डबल बाउंडेड, तो इसके चारों ऑप्शन नहीं बताए हमको, तो इसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, इस टाइप से इसमें भी ऑप्शन थे। फिर क्वेश्चन पूछा गया था विश्वनाथ आनंद के ऊपर, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, जो बच्चे ने भेजा है उसने ये बताया है कि इन विच प्लेस विश्वनाथ आनंद वोन 2017 चैंपियनशिप, तो 2017 में तो दो तीन उन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो कौन सी वाली पूछी गई है ये एग्जैक्टली नहीं पता है, या हो सकता है ये पूछा गया हो कि विश्वनाथ आनंद कहाँ के रहने वाले हों, तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है वो नहीं पता है, लेकिन 2017 का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिक्कत वही आ रही है पेपर में, समय 2017 पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है। फिर पूछा गया है विलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में विलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी, तो देखो यहाँ पर सब कुछ मैंने दिखाया है, एयर में जो विलोसिटी ऑफ साउंड है वो है 343 मीटर पर सेकेंड, प्योर वाटर में पूछी जाए तो 1493, सी वाटर में पूछी जाए तो 1533, ग्लास में पूछी जाए तो 4540, आयरन में पूछी जाए तो 5130, लेड में पूछी जाए तो 1158। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जितना ठोस मटेरियल होता जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड की बढ़ती जाएगी। आयरन में देखिए, आयरन में सबसे ज़्यादा है 5130, तो जितना मटेरियल ठोस होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक न्यूमेरिकल बनेगा वो पूछा गया था। जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन था वो ये था कि 2024, 2020, 2023 किसमें 1 जनवरी को मंडे होगा, यानी कि 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2023, और चौथा ऑप्शन नहीं बताया क्या दिया था कि 1 जनवरी को मंडे किस दिन होगा ये पूछा गया था। पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। एसबीआई के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा देखो सीता वॉरियर नाम से एक बुक आई थी, उसका राइटर कौन है, तो उसके राइटर है अमीश त्रिपाठी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कलकत्ता से जब भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट करी गई थी तो ये कब हुआ था, 1911 में शिफ्ट हुई थी।
पूर्णा मूवी एक आई थी 2017 में, जिसमें राहुल बोस ने एक्टिंग करी थी, तो उस मूवी को रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो, ये भी 2017 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम पूछा गया था, तो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल पूछा था, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ये तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट के इतने क्वेश्चन मिले हैं, साथ ही साथ में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसका मैं वीडियो आपको सेपरेट अलग से फिर से बना दूंगा। इसके अलावा आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं रेगुलर बेसिस पर सारी चीज़ें बताता। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही क्वेश्चन पोस्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप भी टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्वेश्चन लेने के।